इसलिए। ये मैंने प्याज, सब्ज मिर्चें, टमाटर बीच में कटिंग कर ली है और आलू भी ऊपर काट दिए। आज मैंने ऐसे ही बनाने, कोई तड़का नहीं बनाना, इनका कुछ नहीं बनाना। ये मैंने वो कटिंग कर ली है बैंगन, बैंगन बड़े फ्रेश थे, इसकी डंडियाँ देखें कितनी गई हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, चूल्हे पर मैंने रखी है कढ़ाई। इंतहाई आसान और सादा रेसिपी, इसमें कोई इतने मसाले नहीं जाएंगे कि भाई इसमें हमने ये डाला वो डाला। इसमें सिर्फ हल्दी, ये मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, तकरीबन डेढ़ चम्मच मैंने ये इसमें नमक डालना है। ये लाइट कम थी और ऑन कर लिया, ये डेढ़ चम्मच नमक का। सब्ज मिर्चें भी डाली हैं बीच में, एक किलो बैंगन थे, आधा किलो आलू और तकरीबन पौना चम्मच लाल मिर्चों का। बस बिल्कुल सादी सी आसान रेसिपी, और ऊपर से तो गिरने लगी वो, ऊपर से डाल देंगे ये घी। बस ये दो डूंगे तकरीबन एक डेढ़ पाव बन जाएगा घी। अब ये घी डाल दिया, इसको कर देंगे कवर और चूल्हा नीचे चला देंगे धीमा सा, तकरीबन 3 मिनट इसको हम रखेंगे तेज़, क्योंकि ये हमारे ना गर्म हो जाए कढ़ाई। और फिर इसको कर देंगे तकरीबन इतना सा हल्की आंच पे, आधे घंटे में पक जाएगा फिर ये, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं आया, बैंगनों का पानी और ये टमाटरों का जो पानी है ना इसी में पक रहे हैं। माशाल्लाह देखें ज़रा कितने प्यारे लग रहे हैं, और कलर देखें इनका बड़ा खूबसूरत है। ये बहुत आसान है ना, बहुत सादी है, जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो उंगलियाँ ही चाटते रह जाएंगे बस। ये देखें ये नीचे नहीं लग रही, सही है, मुझे यही था कि ये ना हो, ये नीचे लग गई हो। अभी भी ये तकरीबन 10 मिनट रह गए, पैन चेक कर लें। ये देखें जी आलू भी गल गए हैं और टमाटर, ये बैंगन भी, ये ऐसे ही रहेंगे। हमारे बैंगन रेडी हो गए हैं, घी देखें ऊपर कितना आया हुआ माशाल्लाह। हमने वो तकरीबन पाव के करीब घी डाला था, और ये थोड़ा सा चार गोश मसाला टेस्ट के लिए। टेस्ट वैसे इनका अपना भी बहुत होता है, लेकिन टेस्ट बढ़ाने के लिए अचार गोश मसाला तकरीबन आधा चम्मच डाला है, और आधा चम्मच ही इसमें सूखा धनिया जाएगा ऊपर। ये देखिए कितना ऑयल आ गया ऊपर, जितना हमने डाला था ये ऊपर। कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें ऑयल कम जाए तो वो पक जाती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें ऑयल ज़्यादा डालने से उनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये मैंने डाला, इसको हल्का सा हमें ऐसे हिला के इसको, ये दम पर ही बने हैं, तकरीबन आधा घंटा लग गया इनको। अभी इसको मज़ीद हम चूल्हा और दम कर देंगे, और 5 मिनट बाद हमारे बैंगन रेडी। उसके बाद बनाऊंगे रोटियां,